नमस्कार, नॉलेज पॉइंट में आपका स्वागत है। आप दर्शकों की डिमांड को देखते हुए हमने सेट में प्रश्नों की संख्या बढ़ा दी है। अब इस वीडियो में हम आपको 15 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दारोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। ये सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स, पॉलिटी, अर्थशास्त्र और भूगोल से रहेंगे। तो आइए देखते हैं आप कितने सवालों का सही जवाब दे पाते हैं। सवाल नंबर 1, बिहार में चाय की खेती किस जिले में होती है? ए कैमूर, बी गया, सी किशनगंज, डी कटिहार। और इसका सही जवाब है सी किशनगंज। सवाल नंबर 2, बिहार के कितने जिले नेपाल की सीमा से लगते हैं? ए 7, बी 8, सी 6, डी 5। और इसका सही जवाब है ए 7। सवाल नंबर 3, बिहार में चिरांद और चेचर से किस काल के अवशेष मिले हैं? ए पुरापाषाण, बी मध्यपाषाण, सी नवपाषाण, डी मेगालिथिक काल। और इसका सही जवाब है सी नवपाषाण। सवाल नंबर 4, कनिष्क के शासनकाल में किस बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। और इसका सही जवाब है डी चौथा। सवाल नंबर 5, भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? ए मद्रास, बी आंध्र प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी गुजरात। इसका सही जवाब है बी आंध्र प्रदेश। सवाल नंबर 6, बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया था? ए पैरा मंगोलियाई, बी चगताई तुर्की, सी हिजाजी अरबी, डी बहरानी अरबी। इसका सही जवाब है बी चगताई तुर्की। सवाल नंबर 7, मनुष्य के खून का पीएच कैसा होता है? ए थोड़ा अम्लीय, बी थोड़ा क्षारीय, सी ज्यादा अम्लीय, डी ज्यादा क्षारीय। इसका सही जवाब है बी थोड़ा क्षारीय। सवाल नंबर 8, अग्निशामक के रूप में किस गैस का प्रयोग होता है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी सल्फर डाइऑक्साइड, डी नाइट्रोजन। इसका सही जवाब है ए कार्बन डाइऑक्साइड। सवाल नंबर 9, यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी 2021 के रूप में किस शहर को नामित किया है? ए हनोई, बी तिब्लिसी, सी काठमांडू, डी बाकू। इसका सही जवाब है बी तिब्लिसी। सवाल नंबर 10, कार्बन वॉच ऐप को लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? ए पुडुचेरी, बी चंडीगढ़, सी दिल्ली, डी लद्दाख। इसका सही जवाब है बी चंडीगढ़। सवाल नंबर 11, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? ए विधिक अधिकार, बी मौलिक अधिकार, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ए विधिक अधिकार। सवाल नंबर 12, भारतीय संसद का अपर हाउस किस नाम से जाना जाता है? ए हाउस ऑफ लॉर्ड्स, बी सीनेट, सी राज्यसभा, डी लोकसभा। इसका सही जवाब है सी राज्यसभा। सवाल नंबर 13, राज्यपाल को शपथ दिलाने का काम कौन करता है? ए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, बी राष्ट्रपति, सी लोकसभा स्पीकर, डी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। इसका सही जवाब है डी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। सवाल नंबर 14, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? ए मार्शल, बी कीन्स, सी एडम स्मिथ, डी रॉबिन्स। इसका सही जवाब है सी एडम स्मिथ। सवाल नंबर 15, कांचीन पहाड़ियां भारत के किस देश के साथ सीमा का निर्माण करती है? ए भूटान, बी म्यांमार, सी नेपाल, डी चीन। इसका सही जवाब है बी म्यांमार। पिछले सेट में हमारे जिन दर्शकों ने सबसे ज्यादा सही जवाब दिए उनके नाम हैं आदित्य राज, अमित कुमार यादव, सविता कुमारी, अंतिम सिंह, सतीश सार्थिक, बंटी चौरसिया, नवीन कुमार, राकेश ऋषि, आलोक कुमार, अमरजीत कुमार, पुष्पा कुमारी, पूजा कुमारी, संतोष सिंह चौरसिया, अनन्या। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस सेट में आप कितने सवालों के जवाब दे सके हैं आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। सबसे ज्यादा सही जवाब देने वालों का नाम हम अगले वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।